वेतन वृद्धि को लेकर बांका के आवास कर्मियों की बैठक आयोजित। एक स्वर में सभी आवास कर्मियों ने सरकार से वेतन बढ़ाने को लेकर की मांग। राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ की बैठक रविवार को बांका शहर के तारा मंदिर परिसर में आयोजित की गई। बैठक में जिला अंतर्गत कार्यरत सभी ग्रामीण आवास कर्मी, ग्रामीण आवास सहायक, लेखापाल, सहायक आवास पर्यवेक्षक, जो कई समस्याओं से परेशान है, वही सरकार के द्वारा समस्याओं को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ज्ञात हो कि सभी कर्मी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और बीटेक और एमटेक किए हुए हैं। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर बैठक में बड़े पैमाने पर चर्चाएं की गई तथा इन समस्याओं से सरकार को अवगत कराने का प्रस्ताव रखा गया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष प्रिंस कुमार पीयूष ने कहा कि आवास कर्मियों से सरकार जिले में कई लाभकारी योजनाओं के संचालन में सहयोग ले रही है, बावजूद भी हम लोगों के मानदेय एवं अन्य समस्याओं की ओर से सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। वर्तमान समय में मनरेगा मजदूरों से भी कम राशि का भुगतान हम सबों को मानदेय के रूप में किया जाता है, जबकि हम लोगों से बाढ़, सुखाड़, बिजली सर्वे, विद्यालय जाँच सहित कई सरकारी कार्य कराया जाता है। अब यह अपेक्षा हम लोग सहन नहीं करेंगे, इसके लिए हम लोग आंदोलन का रास्ता तैयार करेंगे। बैठक में जिला एवं प्रखंड स्तर की कमेटी का भी पुनर्गठन किया गया। इसके तहत जिला अध्यक्ष के रूप में प्रिंस कुमार पीयूष, जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा एवं अनुजित कुमार, जिला सचिव बेबी कुमारी, जिला मीडिया प्रवक्ता कुमार वैभव विकास, कोषाध्यक्ष सानु शाश्वत एवं अब्दुल सालिह सिद्दीकी तथा संगठन मंत्री संतोष कुमार साह को बनाया गया, जबकि प्रखंड अध्यक्ष के रूप में बांका प्रखंड अध्यक्ष आजाद हुसैन, अमरपुर से अरविंद कुमार, बौसी से आशुतोष कुमार, बाराहाट से मुकेश कुमार, बेलहर से धनंजय कुमार, चांदन से राकेश सिंह, फुलीडुमर से मुकीम अंसारी, धोरैया से मनोरंजन सिंह, कटोरिया से सहाकत हुसैन, रजौन से अभिषेक कुमार एवं शंभुगंज से प्रमोद दास को प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत किया गया। मौके पर सैकड़ों की संख्या में आवास सहायक कर्मी उपस्थित थे। सगासा जिला इकाई बांका की तरफ से जो सरकार से हमारी मांग है, मुख्य रूप से वेतन वृद्धि और समायोजन को लेकर के, ठीक है, पद का समायोजन को लेकर के, जो हमारे कर्मी हैं इसमें ग्रामीण आवास सहायक के पद पे हैं, लेखापाल और ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक के पद पे हैं, ठीक है। इनमें से जो हम लोग का मांग है, जो सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है कि विकास मित्र और का 25,000 सैलरी कर दिया, तालीम मरकज और टोला सेवक का भी दुगना 100% बढ़ा करके 22,000 कर दिया, तो हम लोग उनके मतलब सम्मान में बहुत अच्छा क्लैपिंग करके बताते हैं कि अच्छा हमारे यहाँ पे सीएम है जो कर रहे हैं। लेकिन उनसे हम लोग चूंकि ग्रामीण स्तर पे ही नहीं, पूरे प्रखंड स्तर पे भी हम लोग का काम होता है, जैसे कुछ भी हो, इलेक्शन करवाना हो, राशन कार्ड का काम करवाना हो, जनगणना करवाना हो, मतलब ब्लॉक स्तर का जितना भी काम है, इवन ड्यूटी मेला का ड्यूटी हो, कोई भी ड्यूटी हो, कितने मेला हो, कुछ भी, चाहे राष्ट्रीय स्तर का मेला हो, चाहे कोई भी ऐसा चीज नहीं है जहाँ पे हम लोग निष्ठापूर्वक काम करते हैं। तो हमारा मांग यही है सरकार से कि सहायक जो है सहायक के पद पे है, ग्रामीण आवास सहायक के पद पे, उसका वेतन 42,500 होना चाहिए, ठीक है। हाथ खड़ा करके बताएंगे सब लोग, 42,500 होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि ये हम लोग का मिनिमम मजदूरी होता है, वो भी नहीं है, है ना। लेखापाल का 51,500 और ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक का 62,500, ये हम लोग का संगठन की तरफ से, प्रदेश संगठन की तरफ से, जिला संगठन की तरफ से, जो हमारा इकाई है सगासा, उसके स्तर से हम लोग सरकार से मांग करते हैं। और अगर सरकार हमारी मांग सुन लेती है तब तो ठीक है, अगर नहीं सुनती है तो फिर हम लोग जैसे 2018 में जो संघर्ष किए थे उसी तरह संघर्ष करते हुए सरकार के विरुद्ध में काम, सरकार के विरुद्ध जाएंगे और अपनी मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की बात आएगी तो उसमें भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। सभी समर्थन देते हैं इसका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम पुरैनी में जल जमाव एवं अतिक्रमण को लेकर ग्रामीण जाएंगे मुख्यमंत्री जनता दरबार। भागलपुर जिला के जगदीशपुर थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत पुरैनी उत्तरी एवं दक्षिणी के खरादी मोहल्ला पुरैनी में जल जमाव को लेकर बार बार अंचलाधिकारी को आवेदन के माध्यम से सूचना दे रहे हैं। जनप्रतिनिधि के साथ साथ विभाग के सारे पदाधिकारी को जानकारी है, बावजूद इसके अभी तक कोई जल निकासी एवं अतिक्रमण समस्या का समाधान नहीं हुआ है। महीनों से जल जमाव का दंश झेल रहे, इधर 3 दिनों से बारिश में गांव के कई घरों के अंदर जल जमाव से लोग परेशान हैं। ग्राम कचहरी सचिव फिरदौस अहमद ने कहा कि प्रशासन अपने आश्वासन में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इस समस्या से जूझ रहे पंचायत के जनप्रतिनिधि एवं ग्राम जनता अपनी समस्याओं को लेकर 25 सितंबर 2023
समय 11 बजे पूर्वाहन में जिला प्रशासन के पास पहुंचकर अपनी मूल समस्या से अवगत कराएंगे। मालूम हो कि ग्रामीण काफी परेशान और आक्रोश है। अंचलाधिकारी के द्वारा बार बार मोहलत दर मोहलत देकर केवल संतोष दिया जा रहा है, लेकिन कार्यवाही शून्य है। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे लापरवाह पदाधिकारी के विरुद्ध मुख्यमंत्री जनता दरबार में जाकर अपनी समस्याओं को रखेंगे और हकीकत से रूबरू करेंगे। जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं समाचार के माध्यम से भी जानकारी मिल रही है, नाले सफाई का कार्य पुरैनी उत्तरी यूको बैंक से होते हुए शमशाद चायबाला तक अधूरा हुआ है। नाले के सामने दक्षिणी क्षेत्र में बिल्कुल जस का तस पड़ा हुआ है, जो मूल समस्या है। प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं है। पुरैनी दक्षिणी के खरादी मोहल्ला में महीनों से जल जमाव में कोई राहत अभी तक नहीं मिला है। 22 मोहल्लों का पानी इसी मोहल्ले से होकर गुजरता है। आखिर इस तरह से जूझ रहे समस्या पर प्रशासन कब कार्यवाही करेगी? ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जिला परिषद हाशिम दिलकस उर्फ गुलजार, राजद नेता अकबर अंसारी, सरपंच नूर आलम उर्फ बबलू मिराज उर्फ लालू, मुखिया प्रतिनिधि आसिम जफर, मुखिया सहबाज, उप मुखिया सिराजुल, उप सरपंच वसीम, सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल सलाम, राशिद उर्फ मिस्टर, वार्ड सदस्य मुस्ताक, शाहजहां, जहांगीर अफरोज, वेल्डिंग मिस्त्री अनवर, मास्टर मुख्तार रिजवान उर्फ बबलू एवं अन्य ग्रामीणों ने कहा कि इस तरह के जल जमाव एवं अतिक्रमण समस्या को लेकर गांव के अंदर मासूम बच्चे के डूबने, बूढ़े बुजुर्ग के गिरने, जल जमाव के सड़कें से भयंकर महामारी का प्रकोप होता है। इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। अभी जो हमारे प्रखंड पंचायत राज प्राधिकारी महोदय आए हुए हैं हमारे वार्ड नंबर 12 के जल जमाव को लेकर के, इसका जो है कि क्या मतलब हालात है उसको देखने के लिए आए हैं। इसमें सर आपका क्या कहना है, जरा बताया जाए। हम पहले ये चाहेंगे कि नाली में जहाँ जल जमाव होता है ये नाली की सफाई करें, एक उसके बाद हम लोग काम शुरू करेंगे। जहाँ नाली टूटा हुआ है उसके मरम्मत का काम करेंगे। एक कुछ काम हम लोग ग्राम पंचायत से, कुछ जिला परिषद से, कुछ पंचायत से पूरा उम्मीद है कि ऐसे कर ऐसा करवाने से इसका स्थायी समाधान। छेदा बंद करने वाला किसी प्रतिनिधि को नहीं दिखता है। ये 6 काहे छेदा हुआ जो आदमी एक्सीडेंट कर रहा और लंबा लंबा बात करेगा, बात समझिएगा। और 6 ढक्कन रखा हुआ 3 फुटिया, अगर ट्रैक्टर जा रहा तो मोटरसाइकिल वाला रुकना पड़ेगा संसद के यहाँ पे। और रोड जब ई बताता है अमीर कि ये रोड 60 फीट है, कहीं पर 40 फुट है, और हम लोग सोचते हैं तो 15 फुट में खत्म हो जाता है। तो वो सब भी हम लोग बर्दाश्त किए, चलो गरीब आदमी किसी तरीके से खा कमा रहा, लेकिन नाला को साफ कीजिए, अतिक्रमण या अल्वेस्टर हटा दीजिए, और टोरी डाबर जो बिल्डिंग की है उसको हटा दीजिए आप लोग। बाकी तमाम प्रतिनिधि उस पर लिख करके जाके सीओ से मिलेगा कि हम लोगों ने नापी रुकावट हुआ, हम लोग जा करके सब अल्वेस्टर और नाले पर का सामान हटवा दिए है, मुक्त करवा दिए पानी से भी सामाजिक तौर। हाँ सामाजिक है, पूरा हम ही लोग दिया था आवेदन। अब हम लोग आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हो, हमारा शांति हो गया पूरे नहीं उतरी दक्षिण में। ये लिख के वहाँ देगा सीओ साहब को, डीएम पूछेगा तो दे देगा ये, और डीएम को जब नीतीश कुमार पूछेगा कहेगा वहाँ पर का जो पटिशनधारी। सबलपुर पंचायत के नए आंगनबाड़ी भवन का बराहट प्रमुख ने फीता काट कर किया उद्घाटन। ग्राम पंचायत सबलपुर में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत वार्ड नंबर 6 के नवनिर्मित आंगनबाड़ी भवन का उद्घाटन बराहट प्रखंड प्रमुख खुशबू देवी ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर गोद भराई का भी रस्म किया गया। इस केंद्र से छोटे छोटे बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण आदि कार्यों में काफी सुविधा मिलेगी। नए भवन का उद्घाटन से ग्रामीणों में काफी खुशी देखने को मिली। इस मौके पर मिठाई बांटी गई। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सबलपुर के मुखिया निखिल बहादुर सिंह, प्रमुख पति राजेश यादव, उप प्रमुख बीपीआरओ सीडीपीओ सुशीला धान, एलएस तरन्नुम, डाटा ऑपरेटर कुंदन कुमार, पंचायत समिति मोहम्मद अय्यस, वार्ड सदस्य चानो देवी के साथ साथ दर्जनों सेविका एवं सहायिका उपस्थित थे। मुख्यमंत्री आगमन को लेकर अंचलाधिकारी के नेतृत्व में चलाया गया अतिक्रमण मुक्त अभियान। संभवतः अगले माह के प्रथम सप्ताह में बांका में बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का आगमन होना है। इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए प्रशासन द्वारा शहर के विभिन्न सड़कों से अतिक्रमण हटाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। अतिक्रमण मुक्त शहर बनाने का नेतृत्व बांका अंचल अधिकारी अमित कुमार रंजन एवं टाउन थाना अध्यक्ष शंभू यादव द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए बांका अंचल अधिकारी अमित कुमार रंजन ने बताया कि अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बांका आने की पूर्ण संभावना है। इसी के मद्देनजर शहर के सभी मुख्य सड़क मार्ग से अतिक्रमण हटाने का कार्य किया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने के पूर्व अतिक्रमण करने वालों को सूचित कर दिया गया है। बावजूद भी अतिक्रमणकारियों द्वारा निर्धारित समय पर अतिक्रमण नहीं हटाने के कारण रविवार को मजबूरन शहर से अतिक्रमण हटाने का कार्य किया गया। मौके पर अंचल अधिकारी अमित कुमार रंजन, थाना अध्यक्ष शंभू यादव सहित बड़े पैमाने पर पुलिस बल मौजूद थे।